हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम UPPSC 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे UPPSC एवं UPTGT PGT में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सीरीज के 4 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज ये इसका 5वां पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। इसलिए दोस्तों, हमें जिंदगी सिर्फ काटनी नहीं बल्कि जिंदगी को मिसाल बनाना है। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। WTO का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, UNEP यहाँ पे प्रिंट हो गया है, नैरोबी, रोम इटली, मनीला फिलीपींस। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना जो होती है 1 जनवरी 1995 को होती है। और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, नागोजी ओकांजो इवेला हैं, जो कि पहली अफ्रीकन अधिकारी और पहली महिला महानिदेशक भी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और ये पहली महिला महानिदेशक हैं। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि WTO में पहली बार कोई महिला महानिदेशक बनी है। इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। UNEP, इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। ठीक है, सी नंबर पे दिया गया है रोम इटली में एक बहुत ही प्रसिद्ध मुख्यालय है। आप लोग बताएंगे ये किस चीज का मुख्यालय है। जी हाँ, इसका यहाँ पे FAO का मुख्यालय है, जिसका पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर पे दिया गया है डी नंबर पे है मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में किस फसल के समर्थन मूल्य में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है? इसके ऑप्शन से धान, तिल, मक्का, फोर्थ है ज्वार। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा तिल। तिल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो कि 452 रुपये पर क्विंटल है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका वर्तमान मूल्य 7307 रुपये प्रति क्विंटल है। ये चीज़ आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे कम MSP किसका, जो MSP है सबसे कम बढ़ोतरी किस फसल पे हुई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मक्का। मक्के के MSP में सबसे कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो कि 20 रुपये प्रति क्विंटल है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020-21-22 के लिए धान का समर्थन मूल्य कितने रुपए घोषित किया गया है?
इसके ऑप्शन हैं 1940, 1960, 1968, डी नंबर पे है ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। ठीक है, 1940 रुपये जो है ये सामान्य धान का है, सामान्य धान, और 1960 रुपये जो है ये ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ए ग्रेड धान। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष में दो बार घोषित किया जाता है, एक बार रबी की फसल पे और एक बार खरीफ की फसल पर। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी 2021 को वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की न्यू प्रजाति खोजी है। इसके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही 28 फरवरी 2021 को वैज्ञानिकों ने अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू किसके कारण फैलता है। इसके ऑप्शन हैं एवियन एडिनो वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, एवियन पॉक्स वायरस, एवियन ल्यूकोसिस वायरस। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये जो बर्ड फ्लू है ये पक्षियों में विशेषकर मुर्गियों में फैलता है। ये एक वायरस जनित बीमारी है। कैसी बीमारी है? वायरस जनित एक संक्रामक महामारी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है। इसके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, बी कॉपर, जिंक और डी है बोरान। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को हम बताए दे रहे हैं, क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम तो एक अहम रोल निभाता ही है, साथ ही साथ मैग्नीशियम और सल्फर जो है, मैग्नीशियम प्लस सल्फर, ये तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात हो जाता है। इसके ऑप्शन हैं टीबी, बी थनैला, सी एंथ्रेक्स और लास्ट है ब्रुसेलोसिस। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ब्रुसेलोसिस। ठीक है, इसे संक्रामक गर्भपात भी कहा जाता है। टीबी जो है ये एक जीवाणु जनित है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। थनैला को मस्टिटिस कहते हैं, मस्टिटिस, ठीक है, और एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग भी कहा जाता है। ये गाय और भैंस में बहुतायत मात्रा में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जिंक आधारित फंजी साइड है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कहीं पे नोट करके रख लेंगे, इसके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इसके ऑप्शन हैं ए मैंकोजेब, जिसे M45 भी कहते हैं, थीरम, सी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और डी है कार्बिंडा जिम। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मैंकोजेब, जिसे M45 डाइएथेन M45 भी कहा जाता है। डाइएथेन M45 का पूरा नाम जिंक मैंगनीज कार्बामेट है, जिंक मैंगनीज कार्बामेट, ठीक है, इसका पूरा नाम जिंक मैंगनीज कार्बामेट, ये इसी समूह का भी एक तत्व भी है, ठीक है, इसका पूरा नाम जिंक मैंगनीज कार्बामेट है। इसमें M45 में जिंक की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे जिंक आधारित फंजीसाइड भी कहा जाता है। यहाँ पे थीरम दिया गया, थीरम का प्रयोग अधिकतर बीजों को शोधित करने के लिए किया जाता है, बीजों को शोधित करने के लिए यानी कि ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। थीरम को कार्बेंडाजिम भी कहते हैं, यहाँ पे जो कार्बेंडाजिम दिया गया इसको थीरम या कार्बेंडाजिम दोनों सेम ही हैं, और इनका उपचार ढाई ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित किया जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसको COC भी कहा जाता है, ये एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। मैंकोजेब जो है ये भी एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है, लेकिन कार्बेंडाजिम जो है ये एक सिस्टमिक फंजीसाइड है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो थुए यानी कि डबल हम्ड यानी कि दोहरे कूबड़ वाले ऊंट भारत में कहाँ पाए जाते हैं। इसे चाहे दो थुए कहें या डबल हम्ड लिख के आए, या यहाँ पे डबल कूबड़ वाले ऊंट लिख के आए, सभी जगह बात एक ही होगी। ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं, इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लद्दाख। लद्दाख में ही डबल हम्ड वाले ऊंट पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 मार्च 2021 को भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, इसे फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी कहा जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है। इसके ऑप्शन है रानीखेत, देहरादून, गैरसैंण, हरिद्वार। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रानीखेत, उत्तराखंड। रानीखेत उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। इसके आने ऑप्शन देखते हैं देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, और गैरसैंण जो है ये इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण है, और शीत ऋतु की जो राजधानी है ये देहरादून है, क्योंकि उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं देहरादून और ग्रीष्मकालीन, शीत ऋतु की जो है देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण है। हरिद्वार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध शहर है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत है जो ये कभी कभी यहाँ पे कालिका, क्योंकि जो एरिया है जहाँ पे ये खोला गया है वो एरिया कालिका है, कालिका क्षेत्र, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको रानीखेत नहीं मिल रहा है, अगर कालिका लिख के आ रहा है तब भी ये सही होगा, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, इसके ऑप्शन हैं मटन, चिकन मीट, पोर्क, बीफ। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मटन। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं इसके अन्य ऑप्शन की, चिकन मीट मुर्गियों के मांस को चिकन मीट कहा जाता है, पोर्क सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है, और बीफ की बात करते हैं गाय बैल भैंस इत्यादि के मांस को बीफ कहा जाता है।
बीफ जो है गाय, बैल, भैंस, भैंस के मांस को बीफ कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें और जानते हैं, एक है हिरण और दूसरा बकरी। हिरण के मांस को वेनिसन, हिरण के मांस को वेनिसन, बेनी सन वेनिसन कहते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और बकरी के मांस मांस को चेवन कहा जाता है, बकरी के मांस को चेवन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भेड़, मुर्गी, सुअर और गाय भैंस के मांस की जानकारी लगभग में सभी लोगों को होती है, लेकिन हिरण के मांस की जानकारी यहाँ पे आपको नहीं मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हिरण के मांस को बेंसन और बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है, ये भी चीज़ आप लोग कहीं नोट करके रख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 1998-99, बी 1965-85, सी 1948, डी 24 फरवरी 2019। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे केसीसी भी कहा जाता है, ठीक है, केसीसी की शुरुआत होती है। इसके द्वारा किसानों को बहुत ही सरल प्रक्रिया के द्वारा एग्रीकल्चर इनपुट हेतु लोन उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनपुट की बात करते हैं, जैसे बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है 1965 और कॉमा 85, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ए सी पी एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस के नाम से कृषि लागत आयोग, ठीक है, एसीपी नहीं होगा यहाँ पे, एपीसी होगा। 1965 में एपीसी, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, कृषि लागत आयोग, जिसका नाम 1985 में बदलकर एग्रीकल्चर कमीशन CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। पहले इसका नाम 1965 में जब स्थापना होती है तो AAPC के नाम से होती है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसे कृषि लागत आयोग कहते हैं। बाद में इसका नाम 1985 में बदलकर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कर दिया जाता है। इसका कार्य जो है MSP पर सुझाव प्रदान करना है, ठीक है, जो MSP घोषित की जाती है फसलों पर, उसके लिए सुझाव यही संस्था प्रदान करती है। जिस प्रकार रवि और खरीफ की फसलों पर MSP होता है, ठीक उसी प्रकार गन्ने की फसल पर FRP घोषित किया जाता है। इसका पूरा नाम फेयर एंड रेमुनेटरी प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य घोषित होता है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के द्वारा FRP जो है घोषित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। FRP जो है आर्थिक मामलों के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं।
आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडलीय समिति। देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, जो धान और गेहूं का MSP जो घोषित, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषित किया जाता है, उस पर जो सुझाव प्रदान करता है वो संस्था है CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन जो धान, जो गन्ना है, गन्ने पे जो FRP होती है, फेयर एंड रिमुनरेटिव प्राइस, जिसे हिंदी में उचित एवं लाभकारी मूल्य भी कहा जाता है, इस पर जो सुझाव है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा दिया जाता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसके नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, प्रोजेक्ट। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस सत्र में होती है, तो इसका सही आंसर होगा 1948, जो कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट की जाती है, अल्बर्ट मेयर, ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इटावा क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए इसका नाम इटावा पायलट प्रोजेक्ट रखा गया है। इसका कार्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। फोर्थ नंबर पे दिया गया है 24 फरवरी 2019। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत होती है, किसान सम्मान निधि योजना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत किसानों को दो हज़ार रुपये की तीन किस्तें, यानी कि वर्ष में कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को होती है, इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता के दही में अम्लता, जो मतलब एसिड होता है, कितने प्रतिशत से कम रहनी चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं 0.8%, 1.0%, 1.5%, 2.0%। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 0.8%। अगर अच्छी गुणवत्ता का आप दही बनाना चाहते हैं तो उसमें अम्लता जो होती है उसका परसेंटेज 0.8% से हमेशा कम रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अंग कीटों में नहीं पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इसके ऑप्शंस हैं यकृत, BRBC, सी एंटीना और डी ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों। यकृत और RBC, ये दोनों अंग कीटों में नहीं पाए जाते हैं। यकृत की जगह पे इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, कीटों में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण अंग होता है एंटीना, इसी के द्वारा कीटों को स्वाद, गंध, भोजन और मौसम संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। मौसम संबंधित जानकारी एंटीना के माध्यम से प्राप्त होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कीटों में एंटीना क्या होती है, आइए आप लोगों को हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चींटी है, चींटी में ये मान लीजिए इसका शीर्ष भाग है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके शीर्ष भाग में ऐसे
बाल टाइप में होते हैं, जिसी को एंटीना कहा जाता है। एंटीना के द्वारा ही चींटियाँ जो है वो वर्षा की जानकारी प्राप्त करती हैं। उसी ठीक इसी प्रकार जो ग्रास ऑपर होता है टिड्डा, उसे भी वर्षा आंधी तूफान इत्यादि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई वर्षा होने वाली हो या आंधी तूफान आने वाला हो तो सबसे पहले जानकारी कीटों और जानवरों को होती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। आरबीसी की बात करते हैं तो इसमें जो आरबीसी है ये नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें कीटों के ब्लड का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। कीटों के ब्लड का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, वायरस। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ही सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है। आइए इसके बारे में जानते हैं, इससे होने वाली एक मुख्य बीमारी लिटिल लीफ ये ब्रिंजल में यानी कि बैंगन में लगने वाली प्रमुख बीमारी है, जो कि माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, जिसके द्वारा पौधों की जो पत्तियां होती हैं बैंगन की वो बहुत छोटी छोटी रह जाती हैं। ठीक है, कवक के बारे में जानते हैं। कवक के द्वारा गन्ने में एक प्रमुख रोग लगता है जिसे रेड रॉट कहा जाता है, जो कि क्लेट्रोटाइकम फाइगल्टम के द्वारा होता है। ये कवक जनित बीमारी होती है। ठीक है, आइए और बात करते हैं। सिट्रस ग्रीनरी जो कि नींबू वंशीय पौधे जो होते हैं उसमें ये समस्या होती है, जो कि फेस्टी डस बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है फेस्टिडस बैक्टीरिया। ये एक जीवाणु जनित बीमारी होती है जो कि नींबू वंशीय पौधों में अधिकतर पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा के द्वारा, लिटिल लीफ और जो सिट्रस ग्रीनिस है ये फेस्टिडस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वायरस जनित बीमारी की बात करते हैं, वायरस जनित बीमारी की अगर बात की जाए तो इसके द्वारा टमाटर और तंबाकू में लीफ कर्ल डिजीज लगती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि टमाटर और तंबाकू में जो लीफ कर्ल डिजीज होती है वो किसके कारण होती है, तो इसका सही जवाब होगा वायरस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी कौन सा सुझाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बेरिल, एल्डिकार्ब, एल्ड्रिन, मेलाथियन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेलाथियन। मेलाथियन जो है ये सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशी माना जाता है। यहाँ पे एल्ड्रिन की बात करते हैं, एल्ड्रिन BSC और एक है DDT, ये भारत सरकार के द्वारा पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा एल्ड्रिन, BSC और DDT को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया। BSC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड और DDT का पूरा नाम डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में केले का कवक जनित रोग है? इसके ऑप्शन हैं ए पनामा रोग,
बी स्कैब, सी अर्गट और डी अल्टरनेरिया सोलेनाई। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पनामा रोग। ये केले का एक प्रमुख रोग है जो कि कवक के द्वारा होता है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। एक केले की वैरायटी आती है पुवन, केले की एक वैरायटी पुवन है जो कि इस रोग के प्रति प्रतिरोधी है। पुवन वैरायटी जो है रोग के प्रति प्रतिरोधी है, पनामा रोग के प्रति प्रतिरोधी वैरायटी है, इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्कैब की। स्कैब जो होता है एक सेब में लगने वाला कवक है, ठीक है, कवक जनित बीमारी है स्कैब। स्कैब जो है सेब में लगने वाली कवक जनित बीमारी है, ठीक है, यानी एक फंगस है। अर्गट जो है, अर्गट के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, वैसे अगर नहीं पता है तो बता देने, बाजरा, बाजरे में लगता है, ठीक है, ये एक बाजरे का प्रमुख रोग है। अल्टरनेरिया सोलेनाई, इसके बारे में हमें लगता है लगभग में सभी लोगों को जानकारी होगी। अल्टरनेरिया सोलेनाई जिसे अगेती झुलसा कहते हैं, ये भी एक कवक जनित है, ठीक है, फंगस है जो कि आलू में लगता है। यहीं पे हम बात कर लेते हैं पछेती झुलसा की। आलू में जो पछेती झुलसा है वो फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जूनोटिक्स नहीं है? इसके ऑप्शन हैं ए एंथ्रेक्स, बी टीबी, सी रेबीज, डी ब्लैक क्वार्टर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंथ्रेक्स, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंथ्रेक्स की। ये एक एंथ्रेक्स को गिल्टी एंथ्रेक्स को गिल्टी रोग भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गिल्टी रोग। यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये एंथ्रेक्स ना होके ब्लैक क्वार्टर होगा, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर है, ये जॉन्टिक्स रोग नहीं है। बाकी जो एंथ्रेक्स है, टीबी है, रेबीज है, ये इसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। रेबीज के बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले जॉन्टिक्स रोग कौन से होते हैं। ऐसे रोग जो पशुओं से इंसानों में और इंसानों से पशुओं में होते हैं उन्हें जॉन्टिक्स रोग कहा जाता है। जॉन्टिक्स रोग के अंतर्गत पहला एंथ्रेक्स है, इसे गिल्टी रोग भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक जीवाणु जनित है। रेबीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेबीज जो होता है ये चौपाया जानवरों के काटने से होता है, इसमें मुख्य कुत्ता है, ठीक है, इसके द्वारा हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, ये चीज नोट कर लेंगे आप लोग। और इसका जो रेबीज होता है, रेबीज रेहेबडो वायरस, इसका नाम इसके वायरस का नाम रेहेबडो वायरस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कुत्ते के काटने से निम्नलिखित में से कौन सी समस्या होती है, तो उसमें कई ऑप्शन होंगे जिसमें से हाइड्रोफोबिया भी होगा जो कि सही ऑप्शन होगा। और इसके वायरस की बात करते हैं तो इसका वायरस है रेहेबडो वायरस, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं रेबीज के टीके की खोज।
रेबीज के टीके की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा लुई पाश्चर, ठीक है, लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। और थोड़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे हम जानते हैं। अभी हाल ही में एक भारत का राज्य है गोवा, जिसे रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। गोवा को रेबीज मुक्त, गोवा रेबीज मुक्त राज्य, इसे अभी हाल ही में रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया गया है। रेबीज के कारण ऐसा होता है कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है, और व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया होने पर व्यक्ति को जल से डर लगने लगता है, ठीक है। यहाँ पे डी नंबर पे दिया गया था ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर जो कि एक जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु जनित यही इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जॉन्टिक्स नहीं है? अभी हमने बताया था कि जॉन्टिक्स रोग होते हैं जो इंसानों से पशुओं में, पशुओं से इंसानों में फैलते हैं, उन्हें जॉन्टिक्स रोग कहते हैं। तो उसका सही ऑप्शन होगा ब्लैक क्वार्टर, जिसे लंगड़ा, ब्लैक क्वार्टर को लंगड़ा बुखार भी कहा जाता है, ठीक है, इसे काला ज्वर भी कहा जाता है। ये एक जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है, और ये गाय भैंस में प्रमुखता से होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने के बीज शोधन हेतु किस कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं प्लांट वैक्स, बी एग्लॉल, थायरम, M45। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एग्लॉल। एग्लॉल के ही द्वारा गन्ने की जो पोरियां होती हैं उनको उपचारित किया जाता है। पोरियों को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, सेट्स उपचारित करने के लिए एग्लॉल का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है इसके अन्य ऑप्शंस, प्लांट वैक्स का जो है प्रयोग गेहूँ, जौ इत्यादि फसलों को उपचारित करने के लिए किया जाता है। प्लांट वैक्स या वीटा वैक्स से उपचारित करने पर जो उसमें स्मट और रस्ट रोग होते हैं उनको नियंत्रित करने में काफ़ी आसानी होती है। अब जब रस्ट की बात आई तो हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि गेहूँ में लगने वाले प्रमुख रस्ट कौन से होते हैं। तो उसमें होगा येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और एक होता है ब्लैक रस्ट। ये तीन रस्ट हैं, तीनों परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ये गेहूँ में लगते हैं और इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। गेहूं में एक रोग और भी लगता है जिसका नाम करनाल बंट, इसका नाम भी जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। थायरम या थीरम दोनों एक ही चीज़ हैं। इसका प्रयोग 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करने में किया जाता है। M45 की बात की जाए तो इसका प्रयोग अगेती और पछेती झुलसा में, जो आलू में अगेती और पछेती झुलसा लगता है उसके नियंत्रण के लिए कॉन्टेक्ट फंजीसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे जो आलू का अगेती और पछेती झुलसा होता है उसके लिए प्रेजेंट टाइम में माइकोजेब, जिसे डाइथेन M45 प्लस कार्बेंडाजिम का एक मिश्रण आता है जिसका प्रयोग अगेती और पछेती झुलसा के लिए नियंत्रण के लिए किया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भर विधि किसके जाँच में प्रयुक्त होती है? आप लोग बताएंगे इसके ऑप्शन हैं वसा, लैक्टोज, विटामिन, प्रोटीन। आप लोग बताएंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वसा, गर्भर विधि से दूध में वसा की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है, दूध में वसा की मात्रा की जांच करने के लिए गर्भर विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्यूटारोमीटर, ब्यूटारोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक बात और आती है, दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व, ठीक है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। अगर दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करनी हो तो ब्यूटारोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और अगर अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की बात आए तो वहाँ पे लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कापर युक्त कवकनाशी रसायन है, ऑप्शन से ब्लाइटॉक्स, एग्रोसेंजियन, डाई एथेन M45, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्लाइटॉक्स। जो ब्लाइटॉक्स है, ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से आता है, इसका जो ये जो है कापर युक्त कवक नाशी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे दिया गया एग्रोसेंजियन जो है ये कार्बनिक पारायुक्त रसायन है। ठीक है, सी नंबर पर डाइथेन M45 है, ये एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायरस जो जीवाणु पर वृद्धि करते हैं कहलाते हैं, ऑप्शन से वीरियोन्स, वायरॉइड्स, प्रियोन्स, फेजेस, आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेजेस। ऐसे वायरस जो जीवाणु पर वृद्धि करते हैं वो फेजेस कहलाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी से होता है, इसके ऑप्शंस हैं पोटेशियम की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, जिंक कमी से, बोरान की कमी से। जी हाँ, आप लोग बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑक्सीजन की कमी से। जब आलू को भंडारित जब किया जाता है तो उनमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आलू में आप लोगों ने देखा होगा कि आलू को काटने पर बीच में एक गैप होता है ब्लैक कलर का, इसी को ब्लैक हार्ट रोग कहा जाता है। ठीक है, बोरान की कमी से फलों में फटने की जो समस्या होती है उसको दूर करने के लिए बोरान का प्रयोग किया जाता है। जैसे टमाटर का फल है, आम का फल है इत्यादि, आप लोगों ने देखा होगा कि ये फल फट जाते हैं, तो इसको नियंत्रित करने के लिए बोरान का प्रयोग किया जाता है। जिंक की बात आती है तो धान में खैरा रोग जो लगता है उसके नियंत्रण के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। पोटेशियम जो होता है ये पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंख एवं पूंछ सड़न रोग फाइंड एंड टेल रॉट किसके द्वारा होता है, इसके ऑप्शन हैं जीवाणु, कवक, वायरस, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीवाणु। ये मछलियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। किसमें होता है? मछलियों में
इसी तरह एक नाम आता है गिल रॉट, ये भी मछलियों में होता है और कवक के द्वारा। ठीक है, पंख एवं पूंछ सड़न रोग जो होता है फाइन डेंटल रॉट डिजीज, ये जीवाणुओं के द्वारा होती है यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, और मछलियों में जो गिल रॉट होता है ये कवक के द्वारा होता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, गिल्टी रोग जो होता है इसे एंथ्रेक्स कहा जाता है, ये जीवाणुओं के द्वारा गाय और भैंस में होता है, और गिल रॉट अगर लिख के आएगा तो ये मछलियों में कवक के द्वारा होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कीटनाशक किस फसल में उपयोग में लिए जाते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शन से धान, गन्ना, मक्का, कपास। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कपास। कपास में भारत में सबसे अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। वैसे जब से बीटी कपास भारत में आया है तब से कीटनाशकों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, और इसकी भी कई वैरायटियां निकाली गई हैं जो विभिन्न कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन में यहीं तक। ठीक है दोस्तों, ये रहा आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चंस। सबसे अधिक अंकुरण प्रतिशत किसके बीज का होता है? इसके ऑप्शंस हैं मक्का, धान, भिंडी, ज्वार। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।